बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और अवार्ड फंक्शन में हम जैसे टेक्नीशियन के लिए आना बहुत सौभाग्य की बात होती है। देखो, एक्ट्रेस को तो सब लोग बुलाते हैं, बट टेक्नीशियन को जब बुलाए तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है। मैं बहुत खुश होता हूँ इसलिए कि अब मुझे हर अवार्ड फंक्शन में बुलाते हैं लोग, तो बड़ी अच्छी बात होगी। थैंक यू। अभी बेकाबू और नागिन दोनों चल रहे हैं। तेजस्वी स्टार है, उसके अंदर स्टार है, मैं नहीं बनाया। हाँ, ये है कि मेरे साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मेरे मन में जो आता है वो उसको बहुत जल्दी समझ जाती है और बहुत अच्छे से वो करती है। मेरे साथ तो बहुत अच्छा करती रही और मेरे साथ मतलब मेरी बच्ची की तरह वो काम करती है। एक तो क्या है, वो दोनों इनफैक्ट करण और तेजस्वी दोनों मेरे बच्चे जैसे हैं और मुझे बड़ा सम्मान दिया उसने। तेजस्वी बहुत इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है और चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करती है, बहुत जल्दी समझ जाती है और बहुत फटाफट करती है। मैंने तो कहा था पिछली बार भी आपको कि वो हमारी लेडी गोविंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं करण सर ने एक बार कहा था कि वो तेजस्वी से मिलने जा सकते बिकॉज ऑफ आपके वजह से, नहीं तो दूसरा कोई होता तो। ये सच है, मेरी वजह से करण मेरा बेटे जैसा है, तो वो मेरे सेट पे आने में हिचकिचाता नहीं है। जनरली कोई बड़ा स्टार जनरली दूसरे के सेट पे आता नहीं, तो वो मेरी वजह से ही मेरे सेट पे आता था। मैं चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर दोनों को लेकर के, मैं तो एक फिल्म करना चाहता हूँ। हमने कुछ बातचीत भी की थी कि दोनों को लेकर मैं एक फिल्म करूँ। काफ़ी एक बेशक रोमांटिक होगा। नहीं, मैं एक्शन तो करण कुंद्रा के ऊपर बहुत अच्छा लगता है मेरा। मैंने कुछ अभी फाइनल तो नहीं कुछ हुआ है, लेकिन कुछ बातचीत हमारी हुई चल रही है। जी, थैंक यू भाई। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज यहाँ पर आने का मौका मिला। ऑब्वियसली बहुत सारी टाइमिंग्स यहाँ वहाँ हो रही थी और फाइनली आज हो रहा है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स गूगल एंड एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेशल थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स अलॉट। थैंक यू। जाओ, चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। चैलेंजिंग तो मैं बोलूँ तो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बट उनको अडॉप्ट किया, चीज़ों को समझा और सबसे बड़ी बात है हिम्मत नहीं हारी। और फिर वही बात आएगी कि जब ऊपर वाला आपके साथ होता है और आपको एक अच्छी सपोर्ट देता है, भगवती की कृपा होती है, तो सब अच्छा हो जाता है। बाकी ये है कि मतलब जितने भी लोग आए हैं, जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, पारुल भी हैं और बाकी सब लोग हैं, मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर शायद ये लोग बराबर नहीं खड़े होते तो ये इवेंट सक्सेस नहीं होता।
नहीं एक्चुअली इसके अंदर है ना, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, स्टोरी और स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग. दिस इज बीइंग 2014-15. वी आर मतलब उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी. तो YouTube का ट्रेंड नया नया शुरू हुआ था, और YouTube पे मुझे ना सबसे बुरी चीज़ लगती है, सॉरी टू से ऑल, मतलब जो किसी भी एंकर को एक्टर को लोग अब्यूज़ लिखते हैं ना. लेकिन मुझे ये था कि चैनल बनाते हैं, चलो देखेंगे क्या होगा आगे जाके. बट उससे बड़ा दिल टूटा और दिल दुखा भी. और इस चैनल का नाम रखा मेरे दोस्त ने, वन ऑफ माय वेरी क्लोज बडी प्रीतपाल कौर, एंड मी एंड शी मतलब वंस गेट टुगेदर ऑन टॉकिंग ऑन अ फोन. तो यार एक नाम रखना क्या किया जाए. देन वी क्रिएटेड दिस नेम गूगल बॉलीवुड. हमारा प्लान था कि अगर गूगल पे सब मिलता है दुनिया का, तो गूगल पे मिलेगा बॉलीवुड. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक गूगल बॉलीवुड ने पंजाब से अपने पैर निकाले और मुंबई पहुंच गए, और गौरव और उसकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं. हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब में इसने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर भी और अच्छा काम करे, और ये शहर बहुत कुछ सिखाएगा भी और बहुत कुछ देगा भी. और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, एंड आई होप अगली बार इवेंट पे बारिश ना हो, ताकि और ज़्यादा लोग आएँ. और ट्रैफिक बड़ा मिल जाता है, टाइमिंग के चक्कर में हम लोग लेट हो जाते हैं, तो इसलिए पहले हाथ जोड़ के माफ़ी है भाई साहब. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोग पहुँचे, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इस सब सपोर्ट की आई थिंक जिनका पहला काम होता है उनको बड़ी ज़रूरत होती है, और आप जैसे पायनियर आए हैं तो अच्छा ही होगा इवेंट इसका जी. थैंक यू. Okay. So guys, we're done already. So this is my award. Thank you so much for everyone. Sure.
it's very exciting. Not that I'm nominated for anything, but somebody has to come and cheer people up also. So yeah, kudos to everybody who's winning an award. A big congratulations to each one. आई थिंक ये अवार्ड फर्स्ट टाइम हो रहा है एंड और मुझे भी एक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड एंड नाइस फीलिंग कि जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, फिर उस मेहनत को जब यू नो प्रशंसा मिलती है, तारीफ होती है, तो अच्छा लगता है. अरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मैं आपको ना, मुझे अच्छा लगता है जब चीज़ें ना एकदम बन जाती हैं और फिर अनाउंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है. ऐसे पहले नहीं बताना चाहूँगा, बट यस, देर इज समथिंग विच इज इन द लाइन एंड इट इज कमिंग वेरी सून. बस मैं हमेशा कहता हूँ आपका प्यार ही मेरी ताकत है, अपना प्यार मुझे देते रहिए, ताकत देते रहिए, तो इसी तरह हम दोनों और काम करते रहेंगे. आज एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों को ये अवार्ड यहाँ पर मिलने जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि दोनों भाइयों को एक साथ अवार्ड मिलने जा रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी फीलिंग है, और हम चाहेंगे हम दोनों इसी तरह आगे साथ में काम भी करें और अच्छा कुछ करें, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं. सो वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मम्मी हमारी बड़ी क्यूट है. आई थिंक मैंने ऑलरेडी हम सब ने हम सब बहुत बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड डेब्यू फॉर हर एंड आई थिंक वी शुड ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी है. थैंक यू, वेरी वेरी हैप्पी. मुझे याद है जब मेरी फ़ोन पे इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि
सर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा. तो मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहले बाइट जो थी वो आपने हमें दी थी और टुडे वी आर 6 years old एंड ये पहला हमारा अवार्ड शो है एंड वी वांट टू यू नो फेलिसिटेट यू. सो आई वाज लाइक श्योर आई कम, आई डोंट प्रॉमिस बट आई कम. तो अभी मेरी शूटिंग आज लकीली जल्दी पैकअप मेरा हो गया, सो आई एम हियर एंड आई एम गोइंग गो अप. तो हमने शुरुआत वाराणसी से की और गंगा दशहरा के दिन की एंड वेरी 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 हैप्पी क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस डे होता है वो और मेरा पहला शॉट भी गंगा जी से निकलने का था. सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी और परसों शो रिलीज़ हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें और जितने भी लोग यू नो हैं ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी बात सुने और शो देखने ज़रूर आए. एवरीबडी लव द प्रोमो. आई थिंक प्रोमो को इतना प्यार मिला है एंड उन्होंने शूट भी बहुत अच्छे से किया था. सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट और जो कमेंट्स थे और जितने लाइक्स आए हैं प्रोमो पे तो एवरीबडी हैज देयर फिंगर्स क्रॉस्ड. नाउ लेट्स होप दैट द शो डज वेल. थैंक यू. Glad people still remember me and they're expecting new things and it's kind of a comeback after a couple of years. Okay, main ye bolna chah rahi hu ki it's honor to be here. 2-3 saalon ke baad I'm back and there's a good things coming soon or it's a comeback, so I'm very happy to be here honestly. Kya kaaran hai 2-3 saal aap mera accident ho gaya tha 2019 mein, meri gardan toot gayi thi, but this is a very strong comeback. पूरे वर्ल्ड में आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी ये स्टोरी है जिन्होंने कमबैक किया है. इंटरनेट पे तो कोई भी स्टोरी नहीं है. सो स्पाइन टूटने के बाद वापस आना, फिजिकली कमबैक करना और दोबारा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना, इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन. इट्स वेरी चैलेंजिंग क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा करंट वर्क, पिछला काम, आने वाला काम सब छूट गया था. एक साल मैं बेड रेस्ट पे थी, 2 साल रिकवरी में लगे हैं. But this time I am back with the bang because new projects are on the way. I completed good projects. बहुत जल्दी आप स्क्रीन पे देखने वाले हो. It's TSM, it's the Shweta Mehta. Now it's registered also. So in fitness department, it's mine. मैंने MTV शो किया नहीं है, मैंने MTV शो जीता है. मिस इतना कि आई थिंक जो अभी MTV रोडीज चल रहा है, आई फील आई शुड हैव बीन देयर, बट ऐसा हो नहीं पाया. हो सकता है उससे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑलवेज. मैम क्या कहना चाहोगे? सेंटर लो. श्योर. इन दिनों काफी बात होती है उल्टी जावेद की और उल्टी जावेद जब भी आती है तो हंगामा मचाती है. आप क्या कहना चाहेंगे उल्टी जावेद के फैशन के स्टाइल में? आई लाइक हर बोल्डनेस, आई डोंट लाइक हर फैशन. सॉरी सॉरी सॉरी. I said I like her boldness, the way she has come out, and she's very fearless. But I don't like her fashion. You need something in the fashion. No, it's everybody has a different style statement. Everybody has a different fashion statement. I just don't like it. You love the boldness. I like the boldness in terms of जो वो करती हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, right? अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो fame के लिए ऐसा करती हैं तो तुम भी कर लो. सब लोग नहीं करते हैं because सब लोग कर नहीं पाते हैं.
So whatever she's doing, it's amazing. But fashion, it's apna apna pasand hota hai. Unke kapdon ko leke aapki aalochna hoti hai, kal aalochna hoti hai, kya kehna chahiye? Unke kapdon ko leke aalochna hoti hai, uske alawa topic hi kya hota hai unse related? Thank you, ma'am. लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ आके एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. होप फॉर द बेस्ट. जी ये कैलकटा से ही मैंने लिया है. सो वहाँ जो स्टाइलिस्ट है उन्होंने ओके जी ओके कुना अच्छा ऑफकोर्स अगर पहले देख मतलब मिल जाते तो अच्छा होता. फिलहाल अभी आई थिंक ही हैज गॉन. So, okay. नहीं बहुत मिस कर रही हूँ. डेफिनेटली बहुत मिस कर रही हूँ. एंड दुर्गा और चारू वॉज अ वेरी लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो ऑफकोर्स लाइक आई मिस द एंटायर फैमिली. दे आर लाइक माई फैमिली ओनली. तो यस अच्छा ये तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू. बट लेट्स सी अगर मुझे बुलाएंगे तो डेफिनेटली आई गो. आप जाएंगे मतलब? डेफिनेटली जाऊंगी. ये बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस इन टेलीविजन. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. सो फॉर दिस साइड ओके चलो ओ दिखते के बेगी जाओ. चलो 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 आजी आजी.